हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। देखो कोई परपेंडिकुलर है फ्रॉम ए, ये देखो ये एक ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें पॉइंट ए से आपने एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, बी सी ये साइड है, इस पर एक परपेंडिकुलर डाला ए से, किस पॉइंट पे, डी, ठीक है। तो बी सी पे जो पॉइंट डी है वहाँ पर एक परपेंडिकुलर आया, ठीक है। सच दैट डी बी, ये जो डी बी है किसके इक्वल है, 3 CD के इक्वल है, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो उसने बोला है गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, डी बी इज इक्वल टू क्या है, 3 CD। और टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव में लिखा हुआ है प्रूव दैट 2AB² प्लस या इक्वल 2AC² 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC², ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मतलब AB² 2AB² इक्वल टू है 2AC² प्लस दिस बी सी का स्क्वायर। तो देखो बड़ा इजी है ये भी क्वेश्चन, देखो प्रूफ में करेंगे हम कैसे। देखो यहाँ से ही देखो आप, ए बी स्क्वायर है, ठीक है। पहला क्या है, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कैसे निकल सकता है, ये हमें पता है एक परपेंडिकुलर है ए डी, तो ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 है तो इधर वाला भी 90 ही होगा, ठीक है, ये तो पता है आपको। अब देखो ए बी चाहिए, तो ए बी के लिए मैं ये वाला ट्रेंगल कंसिडर करूंगा, दैट ट्रेंगल ए डी बी, ठीक है। नाउ इन ट्रेंगल ए डी बी लगाओ इसमें पाइथागोरस, जरा पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटनिस का स्क्वायर, दैट इज ए बी का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटनिस, ठीक है। और इक्वल टू किसके हो जाएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ए डी का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, ये बी डी का स्क्वायर, क्लियर इतनी बार, इसे मान लो फर्स्ट, ये कहाँ से आई, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, और ए सी, यहाँ से देखो जरा ए सी चाहिए, चलो ए सी देखो यहाँ से पता चल रहा है मुझे कि ये वाला ट्रेंगल अगर कंसीडर करूँ मैं ए डी सी, तो ये हाइपोटनिस बन जाएगी ए सी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। नाउ इन ट्रेंगल ए डी सी, ए डी सी में लगाओ जरा पाइथागोरस, 90 डिग्री है, इसके सामने ए सी क्या होगा, हाइपोटनिस, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड, और ये हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर इतनी बात या नहीं। अब देखो जरा यहाँ से, अब ये दो आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, ठीक है, देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर ये बी सी को आप कंसीडर करते हो, बी सी तो नीचे आ रहा है, तो ये तो कहीं हाइपोटेनस कुछ नहीं बन रहा, तो इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, तो कैसे लेके आए आंसर। देखो अब दो इक्वेशन है, ए बी स्केयर और ए सी स्केयर वाली, और जो हमें प्रूफ करना है वो है 2AB² इक्वल टू 2AC², तो मैं इसको ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ वो कैसे देखूंगा। देखो यहाँ से मुझे पता चला है, अगर ये जो टू प्रूफ करना है, अगर ये ए सी स्केयर इधर आए तो माइनस में आएगा, है ना, 2AB² माइनस 2AC² ऐसे आएगा, तो इन दोनों को क्या करूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम फर्स्ट में से सेकंड को, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, क्लियर, ए बी स्क्वायर में से माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा आपके पास ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वेयर प्लस का, सॉरी माइनस है, माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस चेंज हो जाएगा साइन माइनस में, तो माइनस का सी डी का स्क्वेयर, क्लियर इतनी बात। यहाँ से देखो ए डी स्क्वेयर और ए डी स्क्वेयर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये सिर्फ क्या बचा आपके पास, बी डी का स्क्वेयर माइनस सी डी का स्क्वेयर, क्लियर इतनी बात। तो ये इधर क्या है हमारे पास, ए बी का स्क्वेयर माइनस ए सी का स्क्वेयर। अब देखो जरा यहाँ से ये बात हमें पता चल रही है, ये बी डी का स्क्वेयर आ गया, ये माइनस सी डी का स्क्वेयर आ गया, ठीक, क्योंकि ये बी डी का स्केयर है, इसका मतलब ये डी बी का स्केयर एक ही बात है ना, बी डी को मैं डी बी भी लिख सकता हूँ या नहीं, ठीक है। यहाँ से देखो जरा, डी बी या बी डी एक ही बात है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, 3 CD, तो बी डी की वैल्यू कितनी है, 3 CD, तो यहाँ पर मैं बी डी की वैल्यू पुट कर दूँ, कितनी आएगी, 3 CD का स्केयर माइनस सी डी का स्केयर, ये क्या है, गिवन था हमें क्या, डी बी इज इक्वल टू में 3 CD, डी बी या बी डी एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो कितनी कितना आएगा यहाँ से, 3 3 9 सी डी का स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर, क्लियर। और 9 CD² माइनस सी डी स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 8 CD², क्या इतनी बात क्लियर है। और इधर क्या है, ए बी का स्क्वेयर माइनस ए सी का स्क्वेयर, बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है उसके अंदर क्या है, 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC², ये बी सी है ना, तो यहाँ से कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं हम, सी डी को किस फॉर्म में लिख लें, बी सी की फॉर्म में लिख लें, तो ऐसा कैसे लिख सकते हैं हम, देखो क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना कॉम्बिनेशन, तभी आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो सी डी स्केयर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड, ठीक है,
देखो ये जो आपके पास बी सी है यहाँ, इस बी सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो बी सी इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बी प्लस सी डी, लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, और डी बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? थ्री सी डी। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ डी बी की वैल्यू कितनी है? थ्री सी डी, और ये भी सी डी। समझ रहे हो कि नहीं? बी सी को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये बी सी देखो पूरी बड़ी लाइन है, बी सी को मैंने ऐसे लिखा डी बी प्लस दिस सी डी, और डी बी की वैल्यू मुझे पता है थ्री सी डी, ये आ गई। ठीक है, तो ये आ गया फोर सी डी, और ये रहा बी सी। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? सी डी की, ताकि यहाँ वैल्यू पुट करूँ बी सी की फॉर्म में। तो देखो सी डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बी सी बाय फोर। ठीक है, इतनी बात, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, नाउ पुट फोर्थ इन थर्ड, समझ रहे हो ना? सिंपल सी बातें हैं। तो इसमें पुट कर देते हैं हम, देखो क्या आएगा, ए बी का स्क्वेयर माइनस ए सी का स्क्वेयर इक्वल टू एट सी डी स्क्वेयर। तो एट सी डी की वैल्यू कितनी है? बी सी बाय फोर इसका स्क्वेयर। क्लियर? तो याद आ जाएगा आपके पास एट बी सी का स्क्वेयर, और फोर फोर का कितना होता है? सिक्सटीन। क्लियर इतनी बात? और इधर कितना चल रहा है आपके पास? ए बी का स्क्वेयर माइनस ए सी का स्क्वेयर। क्लियर? ये मल्टीप्लाई था एट टू था सिक्सटीन। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास बी सी स्क्वेयर बाय टू, और इधर क्या है? ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर। सिंपल। अब ये देखो, ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये टू इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आएगा टू मल्टीप्लाई बाय ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी का स्क्वेयर, ऐसे ही होगा। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास टू ए बी स्क्वेयर माइनस टू ए सी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी का स्क्वेयर। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है? हमारे पास देखो प्रूफ में क्या था, जो हमें टू प्रूव करना है वो था टू ए बी स्केयर इक्वल टू टू ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो बस सिंपल है, ये भी इक्वल टू में लाना है तो इक्वल टू में ले आओ। देखो कैसे, टू ए बी स्केयर, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ से कितना आ जाएगा ये टू, इधर ये माइनस का प्लस का बन गया टू ए सी स्केयर, और ये प्लस का बी सी स्केयर। ये तो ऐसे ही था ना, यहाँ पर ये कितना होगा? प्लस का बी सी स्केयर। बस ये माइनस वाला इधर चला गया, प्लस बन गया, और बी सी स्केयर तो था इधर प्लस का बी सी स्केयर, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर? ओके, थैंक यू।